दोस्तों, पोकेमोन हमेशा से हमारे बचपन का एक बहुत ही इंटरटेन कार्टून रहा है और हम में से बहुत से लोगों ने अपने बचपन में ये कार्टून ज़रूर देखा होगा। लेकिन हम अभी तक तो यही समझते थे कि पोकेमोन्स को सिर्फ इमेजिनेशन के बेस पर बनाया गया है। लेकिन अगर आप भी इसे सोचते हो तो आप गलत हो, क्योंकि पोकेमोन को बहुत सी चीज़ों से और बहुत से रियल लाइफ जानवरों से इंस्पायर होकर बनाया गया है। और ऐसे ही कुछ जानवर आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं जिन्हें देखकर पोकेमोन्स को बनाया गया है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक के देखते रहना। नंबर 6, सेंचुरू। सेंचुरू एक ऐसा पोकेमोन है जिसे लेकर डिबेट चलती रहती है कि इसे किससे इंस्पायर होकर बनाया गया है। कुछ लोगों के अनुसार ये आर्मेडिलो है, लेकिन इसके चाल और इसके लुक को देखते हुए एक्सपर्ट के अनुसार ये एक सुंडा पेंगोलिन है, क्योंकि ये दिखने में सेंचुरू से बिल्कुल ही सिमिलर है। यह जानवर एशिया के बहुत से देशों में पाया जाता है। नंबर 5, मैजिक कार्प। मैजिक कार्प की जंपिंग एबिलिटी की वजह से ऐसा माना जाता है कि इसे एशियन कार्प से इंस्पायर होकर बनाया गया है। लेकिन अगर आप इसका लुक देखो तो इसका बिल्कुल सिमिलर रियल लाइफ वर्जन येलो आई रॉकफिश में देखने को मिलेगा। इसका कलर, डिजाइन और लुक बिल्कुल मैजिक कार्प की तरह दिखाई देता है। नंबर 4, कैटरपी। जैसे कि आप सभी लोग ये बात जानते हो गए कि कैटरपी एक कैटरपिलर है और इसे कैटरपिलर से इंस्पायर होकर बनाया गया है। लेकिन खासकर इसे ईस्टर्न टाइगर सोलोटल कैटरपिलर्स को देखकर बनाया गया है। और अगर आप ये रियल लाइफ कैटरपिलर और पोकेमोन के कैटरपिलर को देखो तो आप ये देख ही सकते हो कि ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर दिखाई देते हैं। नंबर 3, पॉलीवैग। दोस्तों, पॉलीवैग पोकेमोन का एक बहुत ही फेमस पोकेमोन है। ये एक वाटर टाइप पोकेमोन है जिसको रियल लाइफ के ट्रांसपेरेंट फ्रॉक से इंस्पायर होकर बनाया गया है, जिसका नाम ग्लास फ्रॉक टाइडपॉल है। ये एक फ्रॉक की प्रजाति होती है और इनके पेट के अंदर जो सर्कुलर चीज आप देख रहे हो, ये इनकी आंतें होती हैं जो कि इनके पेट के बाहर से ही दिखाई देती हैं, क्योंकि इनकी स्किन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। और इसी फ्रॉक को देखकर ही पॉलीवैग को बनाया गया है। नंबर 2, ड्रॉजी। ड्रॉजी को देखकर बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये एक एलिफेंट से इंस्पायर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे एलिफेंट को नहीं बल्कि एशियन टाइगर को देखकर बनाया गया है। ये जानवर आपको सेंट्रल और साउथ अमेरिका के जंगलों में, साथ ही साथ साउथ ईस्ट एशिया के कई जंगलों में देखने को मिल जाएगा। ये शेप में एक पिग जैसा दिखाई देता है। नंबर 1, बल्बासोर। दोस्तों, बल्बासोर बहुत से लोगों का फेवरेट पोकेमोन है और इसकी एबिलिटी भी कमाल की है। दोस्तों, बल्बासोर को लेकर भी ये लोगों का मानना है कि इसे एक फ्रॉग को देखकर बनाया गया है और कुछ लोगों के मुताबिक ये एक टर्टल से इंस्पायर्ड है। दोस्तों, आपका फेवरेट पोकेमोन कौन सा है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।